आजाद हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने सनातन धर्म के लगभग हिंदी भाषी क्षेत्र में 2416 मंदिरों को तोड़ दिया, भारत माता के मंदिर को तोड़ दिया, आज इतिहास को कलंकित कर रहा है कि वीर सावरकर जिसने 5 बार अंग्रेजों से माफी मांगा, वीर सावरकर जो अंग्रेज के पेंशन पर 65 रुपया था, वीर सावरकर जिसको अंग्रेजों ने रहने को आवास दिया था, आज उसके जन्मदिन के नाम पर देश के इतिहास के वो पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी विभूतियों को जो सेंट्रल हॉल में जिनको याद किया जाता था, सेंट्रल हॉल की भूमिका को समाप्त कर करके नए दौर में मोदी इतिहास रचने की रचना हो रही है, ये निश्चित रूप से देश के संसदीय लोकतंत्र का अधिनायकवाद की ओर बढ़ता हुआ कदम है। इसीलिए जनता दल यू ने ऐसे सवाल पर, जब देश का राष्ट्रपति आदिवासी हो, महिला हो, और उसका अपमान की भाषा, जब इसका शुभारंभ हुआ, शिलान्यास हुआ, उस समय दलित राष्ट्रपति, तो राजनीतिक छुआछूत का प्रकटीकरण है, पुरखों का अपमान है, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत के 75वें वर्ष देश के ऐसे व्यक्ति को याद किया जा रहा है जिसने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया था, तो ये जनता दल यू को मंजूर नहीं। बिल्कुल, ये तो भाजपा का सांसद है ना, नरेंद्र मोदी। अब दंड देने का क्या मतलब है, ये क्या है, पार्लियामेंट ऑफ विधानमंडल के अंदर दंड दिया जाएगा, राजदंड, ये किसने अधिकार दे दिया, इस लोकतंत्र की आत्मा पर आप चोट कर रहे हैं, ये राजदंड है, ये राजदंड दिया जाएगा देश के आम नागरिकों को पार्लियामेंट के द्वारा, वहां बहस की जगह है, वहां पर ये तमाम चीजें जो किया जा रहा है वो निश्चित रूप से इतिहास को बदलने की तैयारी है। और ये देखिए यहाँ कौन लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कौन लोग मिल रहे हैं, ये साफ तौर पर भारत का संसद है, ये भारत के विभूति हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदू मंदिर को तोड़ने वाले हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान में हमारे पुरखों का अपमान कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर ये भाजपा का सांसद मैंने बनाया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।